हेलो दोस्तों, आ गए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में सम फॉर्मूले का यूज कैसे करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोक कुमार, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एमएस ऑफिस को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने टेबल बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे हमें सम फॉर्मूला लगाना है इन तीनों को जोड़ने के लिए। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे सम फॉर्मूला बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F9 को प्रेस करना है, जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल F9 को प्रेस कर दिया है। उसके बाद में सम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। आप जानते हो, फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल का सिंबल लगाना पड़ता है, जैसे आप एक्सेल में करते हो। तो यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद में SUM सम लिख दिया है, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन लगा दिया है। उसके बाद में हमें ये, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखना है। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, 1 कॉलम, ठीक है दोस्तों, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 1 रो, ये पूरी 1 रो है दोस्तों, और ये पूरी दूसरी रो और ये 3 रो, ठीक है दोस्तों। जैसे एक्सेल में होता है दोस्तों, ऊपर ABCD ऐसे लिखा होता है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा होता है। तो यहाँ पे हम इसको हम A सेल मान सकते हैं दोस्तों, इसको हम A सेल मान सकते हैं, और इसको हम बी सेल मान सकते हैं, और इसको हम सी सेल मान सकते हैं, और इसको हम फर्स्ट रो मान सकते हैं, और इसको सेकंड रो मान सकते हैं, और इसको थर्ड रो मान सकते हैं। तो हमें यहाँ से इसको हम ए माना था, तो ए से और हमें ए से और A3 तक, क्योंकि ये 3 रो है, तो यहाँ तक जोड़ना है हमें 25 से और 25 से और 96 तक हमें जोड़ना है। तो ये 3 रो है और ये फर्स्ट रो है, तो हमें A1 से और A3 तक जोड़ना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है A1, उसके बाद में डबल कोमा, जैसे मैं लगाता हूँ, उसके बाद में A2, वो A3, क्योंकि हमें A3 तक जोड़ना है। और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे और उसके बाद में F9 को प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। इसका रिजल्ट आ गया है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं सही है या नहीं। उसके बाद में सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में F9 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, जैसे मैंने कर दिया है। उसके बाद में इक्वल का सिंबल, फिर SUM, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन, उसके बाद में अब ये बी सेल आ गया है, तो बी सेल, तो B1 से और डबल कोमा और B1 से B3, उसके बाद में ब्रैकेट बंद और उसके बाद में F9 कीबोर्ड से, और ये हमने दबा दिया F9। यहाँ पे थर्ड सेल आ गया उसका, तो यहाँ पे भी हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे, कर दिया है। उसके बाद में इक्वल का सिंबल, फिर SUM, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सी सेल है, तो यहाँ पे C1 से, फिर डबल कोमा, वो डबल डॉट, उसके बाद में C3, यहाँ पे C3 टाइप कर दिया। उसके बाद में ब्रैकेट बंद और उसके बाद में कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इसका जोड़ आ गया है, इसका रिजल्ट आ गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।